हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मखाना पॉरेज। मखाना पॉरेज जो होता है वो मखाना जो होता है उसे हम फॉक्स नट्स भी कहते हैं, और ये बहुत फ़ायदा करता है। और इसका सीरियल आप बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको चाहे तब आप इसे लेके बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। अब मैं इसमें मखाने को अच्छी तरह से रोस्ट करूंगी। इसकी रोस्टिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी लंबी है, कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे रोस्ट होने में, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जो फॉक्स नट्स होते हैं, मखाने जो होते हैं, इन्हें आप तोड़कर भी देख सकते हैं कि कहीं इनमें फंगस वगैरह तो नहीं लगी है। मेरे पास फ्रेश अवेलेबल थे, मैं जस्ट मार्केट से लेके आई थी इसलिए मैंने चेक नहीं किए, बट अगर आपके पास पुराने रखे हैं तो आप उन्हें चेक ज़रूर कर लीजिए। इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए। ये देखिए, इस तरह से ये ब्राउन होने लगेगा, तब आप समझ सकते हैं कि आपका ये जो मखाना है ये रोस्ट हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी। जैसे ही आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से क्रश हो गया, इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। मैंने इसे फर्स्ट टाइम ग्राइंड किया तब इसमें थोड़े से ग्रैनुल्स रिमेनिंग थे, इसलिए मैंने इसे फिर से ग्राइंड किया और फाइन पाउडर बनाया। ये देखिए, फाइन पाउडर हो गया इसका। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये फाइन पाउडर नहीं है तो आप इसे स्ट्रेनर से छान भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये जो पाउडर बन गया है, मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर, छोटे कंटेनर में मैंने इसे निकाल लिया है, सो दैट मैं इसे स्टोर कर सकती हूँ 1 से 2 हफ्ता। अब इसे बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी ली है और उसमें मैंने 3-3.5 चम्मच मखाने का पाउडर लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप बॉयल वाटर भी ले सकते हैं और नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें कोई लम्स ना हो, क्योंकि ये सीरियल जो है वो आप अपने छोटे बेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो 6 मंथ्स के हैं, तो अगर लम्स रहेंगे तो बच्चे उसे स्वॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। आप इसमें धीरे धीरे पानी करके धीरे धीरे पानी ऐड करके इसे कंटिन्यूसली स्टेयर कीजिए और एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। मुझे ये अभी भी थोड़ा थिक लग रहा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा और पानी डाल के थिन किया है कंसिस्टेंसी में। ये देखिए, इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। क्या होता है कि थोड़ा सा स्टिकी होता है नीचे, आपके कटोरी में नीचे जा कर के चिपक भी सकता है। ये देखिए, अभी काफ़ी अच्छी तरह से हो चुका है, थोड़े बहुत लम्स अभी भी बाकी हैं, पर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर भी ऐड की है। मेरी डॉटर एक्चुअली अभी 2.5 ईयर्स की है तो वो शक्कर वगैरह खा लेती है, बट अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप इसे उसे शक्कर मत ऐड कीजिए उसमें, उसे विदाउट शुगर ही दीजिए। शुगर आप स्किप कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो 1 साल से छोटे हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये जो पॉरेज है मखाने का, ये बनकर तैयार है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। ये रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, बेबी के मसल्स और बोन को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये ग्लूटेन फ्री है इसलिए एलर्जी के चांसेस भी कम होते हैं। अब जो पाउडर बच गया था वो मैंने एक कंटेनर में स्टोर कर लिया है।
आप इसे 1 से 2 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपने जो इसमें बॉइल वाटर या नॉर्मल वाटर यूज़ किया है उसके अलावा आप इसमें फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं।